ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों इस अनंत चतुर्दशी होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणपति विसर्जन के बारे में। गणपति जी जो कि 10 दिन के लिए आपके घर में पधारे हैं, उनका आपको किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, उनकी चौकी आप किस तरह से हटाएंगे, नारियल का क्या करना है, पूजन सामग्री जो आप रखते हैं उसका क्या करना है, प्रसाद का क्या करना है, कुछ लोग गणपति जी को कुछ वस्त्र समर्पित करते हैं तो उन वस्त्रों का क्या करना है, और इस दिन कौन से उपाय है जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये उपाय बेहद ही आसान है, अगर इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप भी अपने जीवन में गणपति की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना ना भूलें। दोस्तों पंचांग के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:16 से 7:40 तक, सुबह 10 बजे से 42 मिनट से दोपहर 6:10 तक और शाम 4:41 से रात 9:10 तक विसर्जन का मुहूर्त है। इन मुहूर्त में बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्थी आने तक हम गणेश उत्सव मनाते हैं, अपने घर में गणेश जी को लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का हर एक प्रयास करते हैं। कई जगहों पर गणेश उत्सव 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से मनाया जाता है। जब भी गणेश जी की हम स्थापना करते हैं उसके बाद हमें उनका विसर्जन भी करना होता है, यानी हम गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित भी करते हैं। तो उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए वह ध्यान से जान लीजिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार विसर्जन वाले दिन आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। आपको भगवान गणेश जिनकी आपने स्थापना करी है विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहली बात एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस दिन विसर्जन करने के लिए आप जाते हैं उस दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके पहले घर को स्वच्छ कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है किसी भी मेहमान के घर से जाने के बाद हमें सफाई नहीं करनी चाहिए, और गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि धन आदि सभी चीजों के देवता है, ऐश्वर्या के देवता है। तो भगवान जब भी जाए उनके जाने के बाद आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, आप झाड़ू पोछा पहले ही लगाए, साफ सफाई आप पहले ही कर लीजिए। इसके बाद नहा धोके जब भी आप स्नान कर लेते हैं पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा आराधना करें। कैसे करनी है वो भी जान लीजिए। गणेश जी को अगर हो सके तो पूरे जो गुलाब होते हैं उनकी आपको माला पहनानी चाहिए, अगर आपको मिल जाते हैं तो नहीं तो आप अन्य फूलों की माला भी पहन सकते हैं। आपको दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, आपको अक्षत हल्दी कुमकुम आदि गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। अबीर गुलाम उन्हें बेहद प्रसन्न होता, आपको वह अर्पित करना चाहिए। आपको भोग स्वरूप, क्योंकि देखिए जब भी हमारे यहां से कोई मेहमान जाते हैं तो उन्हें पूरा प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना है, उनका जो भी प्रिय भोग है उन्हें गुड़ चढ़ाया जाता है। गणेश जी को गुड़ का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। ड्राई फ्रूट्स का भोग आप रखें, देखिए जो यथासंभव हो आपके लिए जितना आप कर सके वह करें, उनको फल अर्पित करें, उनको मोदक प्रिय है वो अर्पित करें, जो आप कर सकते हो उतनी पूरी कोशिश करें, उनका प्रिय भोग उनके सामने रखें। पान बताशा लौंग सुपारी वगैरह आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान की घी का दीपक जलाकर धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए, ओम गण गणपति नमः का आपको उस दिन जाप भी करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आपके लिए संभव हो तो एक छोटा सा हवन आपको आज के दिन विशेष रूप से कर लेना चाहिए। हवन किस तरह से किया जाता है आपको पता ही होगा, मिट्टी का या तांबे का पत्र लेकर उस पर आप कंडा जला के रख लीजिए, उस पर आप चाहे तो घी से भी ओम गण गणपते नमः स्वाहा करके 11 आहुति दे सकते हैं।
आप गणपति जी के लिए एक छोटा सा इस तरह से हवन कर सकते हैं। इसके पश्चात जब आपकी पूजा पाठ आराधना हो जाती है, इसके बाद आपको करनी है विसर्जन की तैयारी। अब विसर्जन की तैयारी किस तरह करेंगे वह भी ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग चौकी पर ही गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो कुछ लोग बिना चौकी के भी लाल कपड़ा बिछा के उस पर अक्षत रखकर स्थापना कर देते हैं। कई बार जब हम मंदिर में स्थापना करते हैं तो हम अलग से चौकी नहीं रखते हैं, तो क्या करना है? जिन लोगों ने अलग से चौकी नहीं रखी है उन्हें एक चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लेना है। इसके बाद कुमकुम सिंदूर ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, उससे स्वास्तिक का निशाना बनाएं, यानी स्वास्तिक के साथ स्थापना करें। इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखें। अक्षत ढालने के बाद लाल पीला जो भी आपके पास वस्त्र है उस वस्त्र को उसके ऊपर बिछा दीजिए। जिन लोगों ने ऑनलरेडी चौकी रखी हुई है उन्हें डायरेक्ट चौकी उठाना है, उन्हें यह सारी चीज नहीं करनी है। जिन लोगों ने चौकी नहीं रखी है उनके लिए बता रहे हैं। लाल या पीला वस्त्र बिछाने के बाद थोड़े से फूल रखिएगा। फिर गणेश जी की मूर्ति को उठाकर आपको उस पाटले के ऊपर रख देना है। अब क्या करना है आपको? इसके पश्चात एक कपड़े में थोड़े से जो भी आपने भोग अर्पित किया था वह भोग उठाकर उस कपड़े में रखें। एक दो कॉइन दक्षिणा स्वरूप रखें, क्योंकि किसी भी मेहमान को जब भी हम विदा करते हैं उन्हें खाली हाथ हम विदा नहीं करते हैं। तो गणेश जी के लिए भी आपको थोड़ा सा भोग रखना है रास्ते के लिए, और उनके लिए दक्षिणा रखनी है, क्योंकि जब वह अपने लोक को जाएंगे तब उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस तरह से आपको अपने गणेश जी को विदा करना है। उसके बाद जब आप अपने गणेश जी को लेकर जाएंगे तो आपको पाटे समेत जिस पर आपने स्थापना करी है, जिस पर अपने दक्षिणा वगैरह रखा है, इस तरह से आपको लेकर जाना है। आप जब लेकर जाएंगे एक बार पूरा परिवार उनसे दर्शन करेंगे। इसके पश्चात आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, 10 दिन तक आप हमारे घर में रहे, आकर हमारी सेवा भाव में, हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, आपको प्रसन्न करने में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। तो क्षमा याचना भूल चूक के लिए आपको माफी जरूर मांग लेनी है, क्योंकि देखिए हम भगवान को प्रसन्न करने प्रयास जरूर करते हैं, परंतु कई बार हमसे कुछ भूल चूक काम ज्यादा हो ही जाता है। इस तरह से आपको उनसे क्षमा याचना मंगानी है, फिर अपने गणेश जी को लेकर जाएं। सम्मान पूर्वक कभी भी एकदम से ऊपर से जल में परवाह न करें, धीरे से जल में उतरकर आपको अपने हाथों द्वारा खुद से ही परवाह करना चाहिए, खुद से ही विसर्जन करना चाहिए। और आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में आपने इको फ्रेंडली गणेशा रखे हैं तो एक साफ सुथरे बर्तन में पानी भर लीजिएगा। इतना भरिएगा कि वह अच्छे से उसके अंदर विसर्जित हो जाए, सर तक उनके पानी आ जाए। गणेश जी के थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर थोड़े से पुष्प उसमें ढाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपने गणेश जी को उसके अंदर विसर्जित करिएगा। अब आप घर में विसर्जित कर रहे हैं तो दक्षिणा स्वरूप आप क्या रखेंगे? थोड़े से अक्षत ढाल दीजिएगा दक्षिणा स्वरूप। यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो इसके बाद जब मिट्टी जल में पूरी तरह से घुल जाए, घुलने के बाद उस जल को आपको अपने घर के गमले में ढाल देना है। और ध्यान रखिएगा ऐसी जगह ढालिएगा जहां उस मिट्टी में आपके पैर ना पड़े। घर में गमले जो रखे होते हैं वह थोड़े से कोने में हो, पानी बहकर नीचे ना आए। इस तरह से आपको अपने घर में उनका विसर्जन कर देना है, या आप एक खाली गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। उसमें कुछ पौधे के बीज ढाल दीजिएगा तो उस मिट्टी से पौधे उत्पन्न हो जाएंगे और गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो चीजें जो आपने अपने मंदिर में रखी थी, चौकी पर रखी थी, जैसे कि आपने रखा था कलश स्थापना करी थी, आपने गणेश जी को आपने वस्त्र पहनाए थे, तो वह वस्त्र उनका आशीर्वाद स्वरूप माने जाते हैं। तो यह गलती भूल से भी मत करिएगा। जब आप गणेश जी के विसर्जन के लिए जाएं तो हम क्या करते हैं, लाल कपड़े को भी ले जाते हैं, हम नारियल का भी विसर्जन कर देते हैं, हम सुपारी दुर्वा का भी विसर्जन कर देते हैं। तो यह आपको भूल से भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो नारियल है उसको तोड़कर उसका जल निकाल लीजिएगा, फिर नारियल तोड़कर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दीजिए। आपके घर में बाहर दीजिए, आसपास मोहल्ले में बांट सकते हैं। फल वगैरह रखे हैं, आपने भोग रखा है, उसे भी बांट दीजिएगा। जो कलश के अंदर जल है उस जल को पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ जल आप किसी भी गमले या क्यारी में ढाल दीजिएगा। उसमें आम के पत्ते लगाए हैं, आपने तो वह आप विसर्जन के लिए ढाल सकते,
आम के पत्तों को और इसके पश्चात जो दूर्वा है आप रोज दूर्वा चढ़ाते हैं। गणेश जी को तो वो सूख जाती है तो उसमें से थोड़ी सी दूर्वा लेकर, और कुछ लोग सुपारी की स्थापना भी गणेश जी के साथ में करते हैं, तो उस सुपारी का आपको विसर्जन नहीं करना है। वह सुपारी गणेश जी का प्रतीक ही मानी जाती है तो उसे लाल या पीले कपड़े में लपेटकर थोड़ी सी दूर्वा लेकर उसे आप अपने धन संग्रह के पास रखिएगा। बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि गणेश जी बुद्धि आदि के देवता माने जाते हैं, सुख समृद्धि के देवता माने जाते हैं, तो इसको आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। कपड़े में बांधकर तो किन चीजों को थोड़ी सी वहां पर, अगर आपने दक्षिण रखी थी तो दक्षिणा को, सुपारी को और थोड़ी सी दूर्वा, इन तीनों चीजों को बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। और अक्षत, यदि आपने बहुत सारे कलश के नीचे रखे हैं तो अक्षत को लेकर दूध में खीर बनाकर प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। उन्हें अपने घर के अनाज में मत मिलाएगा क्योंकि अनाज जब हम मिला देते हैं तो बिना प्याज लहसुन का कई बार हमारे यहां भोजन बनता है, कई बार नहीं बनता, तो इस तरह से आपको जो चावल है उसकी खीर बना लेनी है, पूरे घर में प्रसाद स्वरूप बांट देनी है। इसके पश्चात वहां पर और भी जो आपके पाटे पर लाल कपड़ा है, चौकी वगैरह है, उन्हें आप वापस से धोकर स्वच्छ करके अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपने गणेश जी के लिए रखा है उनका विसर्जन आपको नहीं करना है, वह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में ही चीजें रखी जाएगी। अब दूसरी चीज, कई बार हम पूजा में अच्छी क्वांटिटी में भरकर, कटोरी में भरकर हम हल्दी, अबीर, गुलाल, यह सारी चीज रखते हैं तो 10 दिन तक रखी हुई चीज बहुत ही विशेष लाभ आपको देती है क्योंकि उसमें गणेश जी का संपूर्ण आशीर्वाद समाया होता है। तो जो सिंदूर आपने रखा है, जब भी कोई विशेष आयोजन हो, आपके बच्चे के एग्जाम हो या आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, उसका तिलक आपको विशेष रूप से करना चाहिए, या कोई विशेष त्योहार है तो महिलाएं मांग भरने के लिए सिंदूर का प्रयोग कर सकती हैं, तो सिंदूर का आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी कि गणेश जी की स्थापना के बाद विसर्जन आपको किस तरह करना है और चढ़ाई हुई वस्तुओं को किस तरह से आपको उपयोग करना है, उनको आपको संग्रहित करके रखना है। दोस्तों, गणेश विसर्जन की कथा के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि त्योहार के आखिरी दिन भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर लौटते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को भी दर्शाता है। गणेश, जिन्हें नई शुरुआत के भगवान के रूप में भी जाना जाता है, वही बाधाओं के निवारण के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है तो वह अपने साथ घर की विभिन्न बाधाओं को भी दूर कर देती है और विसर्जन के साथ साथ इन बाधाओं का भी नाश होता है। हर साल लोग बड़ी बेसब्री से गणेश चतुर्थी के त्योहार का इंतजार करते हैं और हमेशा की तरह हम यह भी आशा करते हैं कि इस वर्ष भी विघ्नहर्ता अपने आशीर्वाद को हम पर बरसाएंगे और हमारे जीवन के सभी संघर्षों को मिटा देंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने गणपति जी जब महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी तभी से गणेश चतुर्थी का आरंभ हो गया था। कहानी सुनाने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लगातार 10 दिनों तक लिखते रहे। यह कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाना शुरू कर दी। तभी से यह मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। इस प्रकार गणपति विसर्जन का आयोजन करना आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। गणपति विसर्जन करने के बाद गणपति जी के भक्त अगले वर्ष उनके स्वागत के लिए उनका इंतजार करते हैं। साथ ही जीवन के हर एक पड़ाव में गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनसे प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश के विसर्जन से पहले ये आसान उपाय करके आप अपने दोषों को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से है वह उपाय बिगड़ा काम बन जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी काम के पूरे होने के लिए लगातार कोशिश करते हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। तो अब आप चिंता छोड़कर 4 नारियल एक माला में पिरोकर गणेश जी को अर्पित करें।
आपका काम बन जाएगा। परीक्षा में असफलता, अगर आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं या आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं, तो कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो क्लेश मंत्र का जाप करें और उस सूत को पर्स में रखें, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। किस्मत नहीं दे रही है साथ, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो गजानन का जलाभिषेक करके लड्डू का भोग लगाएं और प्रार्थना करें। ऐसा करने आपका काम हो जाएगा। समस्याओं का ऐसे करें समाधान। यदि आप किसी समस्या से लगातार परेशान हैं, तो गणपति का स्वरूप कहे जाने वाले हाथी को हरा चारा खिलाकर प्रार्थना करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए, अगर आप तंगी से परेशान हैं और धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो प्रातः काल उठकर स्नान करें और गाय को शुद्ध घी व गुड़ का भोग लगाएं। आपकी समस्या जल्द समाप्त होगी। अगर आता है ज्यादा गुस्सा, अगर आपकी गुस्सैल प्रवृत्ति से आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप लाल रंग का फूल 7 दिनों तक भगवान गणेश को चढ़ाएं, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। तुतलाहट दूर करता है ये उपाय। कभी कभी देखा जाता है कि आपका बच्चा बचपन से ही वाणी दोष से ग्रसित होता है। यदि आप उसकी वाणी से तुतलाहट खत्म करना चाहते हैं, तो केले की एक माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाएं। ऐसा करने से वाणी दोष से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक कलह से बचने के उपाय। आपका परिवार अगर पारिवारिक कलह से जूझ रहा है, तो बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाकर घर के मंदिर में स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें। ऐसा करने से सुख बना रहता है। घर के मुख्य दरवाजे के पास गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो, तो इस जानकारी को अपने अन्य प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करेगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।